पांचवा, जो मिला उसे अपना ना समझना, किसका समझना। और छठवां लक्षण है कि हम भगवान के हैं, हम गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। हम भगवान के हैं, गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। कई लोग हमें मिलते हैं, एक व्यक्ति हमें मिला, गुरु जी हमको बहुत विनम्र बनना है। हमने कहा जो मिले उसको प्रणाम करो, तुम सरल हो जाओगे। अब जो मिले सो ही प्रणाम करे। एक साल बाद हमें मिला, हमने कहा कहो तुम्हारा अभिमान चला गया, विनम्र हो गए। बोले गुरुजी अब तो और अभिमानी हो। हम कहा क्या हुआ। बोले गुरुजी हमें जो मिलता हम उसे प्रणाम करते हैं, तो हम मन में ये सोचते हैं कि बताओ हम कितने सरल हैं, हम इतने सरल हैं। ये भी एक अभिमान है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, छठवां लक्षण शरणागति का है कि हम भगवान के हैं, इसका अभिमान नहीं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए गीता में आया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते अर्जुन सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा।